अंडर डॉन दाऊद इब्राहिम ने भी शुरू की थी एक एयरलाइन। उसके इस अरमान ने टेक ऑफ किया ही था कि छोटा राजन ने इस अरमान के पर कतर दिए और दाऊद का विमान हो गया क्रैश। आज के शूटआउट में पेश है मुंबई अंडरवर्ल्ड में चल रहे गैंगवार से जुड़ी यही कहानी। पैसे की खातिर चलता है अंडरवर्ल्ड का काला कारोबार। पैसे के लिए होता है अंडरवर्ल्ड में खून खराबा। चलती हैं गोलियां, तोड़ा जाता है कानून, लेकिन जब बात आती है काले कारोबार की, काली कमाई को सफेद करने की, तो हमेशा कानून से खेलने वाला अंडरवर्ल्ड ब्लैक को व्हाइट करने का कानूनी रास्ता भी खोज लेता है। ये रास्ता कभी फिल्मों के जरिए बनता है, तो कभी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बहाने इमारतें बनाकर। तरीके कई हैं और अंडरवर्ल्ड के खिलाड़ी इसे आजमाते भी रहते हैं। कहा जाता है कुछ ऐसी ही चाल चली थी दाऊद इब्राहिम ने। एक एयरलाइंस के धंधे में काली कमाई का पैसा लगाकर, नाम था ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस। ऐसा आरोप है कि इस कंपनी को चलाने का जिम्मा सौंपा गया था तकीउद्दीन वाहिद को, लेकिन गुनाह की दुनिया में छिड़ चुकी जंग में एक दिन हो गया दाऊद के प्यादे वाहिद का शूटआउट। Allegedly, as per the market rumor, that he was running a front office, front company for Dawood Ibrahim. Dawood का तो बंबई में इतना property है, बहुत से लोग उनके संभालते हैं, लेकिन नाम के किसके नहीं। ये भी जो तकीउद्दीन का जो ये था एयरलाइंस है, उसमें डायरेक्ट दाऊद का ऐसा कोई नाम से थोड़ी था। ऐसे बहुत प्रॉपर्टी दाऊद के है बंबई में। ये एक फिल्मी सीन था, लेकिन सच से अलग नहीं। मुंबई के बांद्रा में ठीक इसी तर्ज पर ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर तकीउद्दीन वाहिद की हत्या हुई थी। हमलावरों ने उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर उस वक्त धावा बोल दिया था जब वो बांद्रा के अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। उनके सीने में कुल 15 गोलियां उतार दी गई थी। तकीउद्दीन वाहिद को तुरंत पास के भाभा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जब तकीउद्दीन वाहिद जा रहा था गाड़ी से, उसकी गाड़ी रुकी सिग्नल के पास, तभी इन लोग ने हथौड़ा से उसका गाड़ी तोड़ा और रोहित वर्मा जॉन उन लोग ने उसको फायरिंग किया, मर गया। तकीउद्दीन वाहिद की हत्या उस दौर में हुई थी जब मुंबई में गैंगवार अपने चरम पर था। मुंबई के किसी न किसी कोने से हर रोज गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन सरेआम एक एयरलाइन कंपनी के मालिक की हत्या ने मुंबई पुलिस पर काफी दबाव बनाया और मुंबई पुलिस ने इस मामले की तहकीकात में अपनी पूरी ताकत लगा दी। तकीउद्दीन वाहिद ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के मालिक और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनकी कंपनी को 1993 में भारत सरकार से विमान यातायात का लाइसेंस मिला था। पहले साल ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस ने
एकमात्र बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट से इसकी शुरुआत की और शुरुआत के एक साल बाद ही कंपनी ने 2 एयरक्राफ्ट हासिल कर लिए। इस तरह अचानक ही गुमनाम वाहिद का नाम सुर्खियों में छा गया। तकीउद्दीन वाहिद केरल के रहने वाले थे और एयरलाइंस का कारोबार शुरू करने से पहले एक मामूली ट्रेवल एजेंट हुआ करते थे। वाहिद की तरक्की की रफ्तार जहाज की तरह ही तेज थी, इसलिए कईयों की नजर में चढ़ गए। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक मामूली ट्रेवल एजेंट देखते ही देखते इतनी बड़ी विमान कंपनी का मालिक कैसे बन गया। चर्चा तो यहां तक होने लगी कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है। कुछ अखबारों में सरेआम छाप दिया गया कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में तकीउद्दीन वाहिद का पार्टनर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, लेकिन खुद पर डी कंपनी के नाम का ठप्पा लगना वाहिद के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद तकीउद्दीन वाहिद उन गिरोहों की हिट लिस्ट में आ गए थे जिनकी डी कंपनी से दुश्मनी थी। उसकी हत्या इसने करवाई थी, छोटा राजा ने करवाई थी। हालांकि बीच में इस तरह की खबरें भी उड़ी थी कि वाहिद की हत्या दरअसल दाऊद ने करवाई थी, क्योंकि उसका जो है उससे मनमुटाव हो गया था, लेकिन ये खबरें बाद में जांच में पाई गई कि सब फर्जी थी। गैंगवार में गिरोह ना केवल एक दूसरे के शूटरों को निशाना बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन लोगों को भी टारगेट किया जाता है जिनके की किसी एक गिरोह से अच्छे ताल्लुकात हैं, जो किसी एक गिरोह को फाइनेंस करते हैं या फिर उनका काला पैसा सफेद करने में मदद करते हैं। मुंबई पुलिस ने भी अपनी तहकीकात में पाया कि तकीउद्दीन वाहिद की हत्या छोटा राजन और दाऊद गिरोह के बीच चल रही दुश्मनी की वजह से हुई। दाऊद और छोटा राजन के बीच 1993 के बाद जो गैंग वॉर शुरू हुआ उसमें दोनों ही गिरोहों से जुड़े दर्जनों लोग मारे गए। दाऊद को अगर पता चलता कि कोई राजन का हमदर्द है तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाता, और अगर छोटा राजन को भनक लग जाती कि कोई दाऊद इब्राहिम का साथ दे रहा है तो उसके शूटर उसे गोलियों से भून देते। मुंबई में गैंगवार की मेन वजह 93 का ब्लास्ट था। 93 के ब्लास्ट से पहले राजन और दाऊद जो है एक साथ थे। 93 के ब्लास्ट के बाद दोनों जब अलग हुए तो राजन ने क्या किया कि 93 के ब्लास्ट के जितने भी आरोपी जो थे, जो बेल पर छूटे थे, सबको मारना शुरू कर दिया। उसके जवाब में दाऊद ने राजन के लोगों को मारना शुरू किया। उस वक्त क्या था कि सिर्फ शूटर ही नहीं मारे जाते थे, जो गैंग के शुभचिंतक, हमदर्द, जो फाइनेंसर, सबको निशाना बनाया जाता था। बदले की इसी जंग में 18 सितंबर 1995 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी मुंबई को दहला दिया। छोटा राजन के साथ चल रही जंग के चलते दाऊद के रडार पर आ गया था मुंबई का एक नामचीन बिल्डर। शहर में अनेक ठिकानों पर इसके कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। ये बिल्डर था ओम प्रकाश कुकरेजा। कुकरेजा मुंबई के उत्तर पूर्वी उपनगर चेंबूर के अपने दफ्तर से रियल एस्टेट का कारोबार चलाता था। एक दिन रोज की तरह जब वो अपने दफ्तर में बैठा था कि अचानक दो लोग उसके दफ्तर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ओम प्रकाश कुकरेजा और दो अन्य लोग मरे थे, तीन लोग वहाँ मरे थे। बहुत बड़ा वो शूटआउट था मुंबई का, वो ये बरस का 1995। इतने नामी गिरामी बिल्डर की दिन दहाड़े हुई हत्या से शहर थर्रा गया था। 1995 का साल मुंबई के लोगों के लिए खून खराबे का साल साबित हो रहा था। साल भर के भीतर इस शहर में शूटआउट के कुल 26 वारदातें हो चुकी थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा की हत्या उस साल की सबसे बड़ी आपराधिक वारदात थी।
क्राइम ब्रांच ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो पाया कि इस शूटआउट को दाऊद गिरोह के शूटर राजेश इकबे और सलीम हड्डी ने अंजाम दिया था। राजेश इकबे पहले मुंबई पुलिस में नौकरी करता था। पुलिस की नौकरी के दौरान ही वो दाऊद गिरोह के गुर्गों के संपर्क में आया था और बाद में वो मुंबई पुलिस की नौकरी छोड़कर डी कंपनी का शूटर बन गया। Became absolutely more and more cruel that they could call a few times and shoot somebody like builders, big builders like Vallabh Thakkar or that Chembur based person, Kukreja, Om Prakash Kukreja or Natwarlal Shah or in the cinema industry Gulshan Kumar or people like that. Bade bade logon ko jab maarne lage hain, sab terror started spreading all over the place. बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा की हत्या राजन गिरोह के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि माना जाता है कि राजन अपनी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुकरेजा के बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में लगाता था। कुकरेजा की मौत का मतलब था राजन के लिए अपने पैसे से हाथ धोना। राजन का खून खौल उठा और फिर उसने वही किया जो अंडरवर्ल्ड का उसूल है, यानी कि बदला। बिल्डर कुकरेजा का बदला राजन ने ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के मालिक तकीउद्दीन वाहिद को मार कर लेने का फैसला किया। हालांकि छोटा राजन के इस मंसूबे की भनक पुलिस को पहले ही लग गई थी, इसीलिए पुलिस ने तकीउद्दीन वाहिद को उनकी हत्या से कुछ दिन पहले बुलाकर सुरक्षा की पेशकश की थी, लेकिन वाहिद ने पुलिस की इस चेतावनी को तवज्जो नहीं दी। It is 95 and I was additional CP in Bandra division and that was in my area. We had called him and warned him that something like this is going to happen. We had intelligence. 15 days we kept policeman a vehicle outside his office, but he said to us very clearly that he has got no enemies and all. Chota Rajan ko badla lena tha Om Prakash Kukreja ka murder ka, to usne ye Dawood ka ek bada aadmi ko maar ke Dawood ko kuch to punishment dene ka uska irada tha. Taqiuddin Wahid ke paas किसी तरह की पुलिस सुरक्षा का ना होना और उसके बेफिक्र रहन सहन ने छोटा राजन का काम और भी आसान कर दिया था। वाहिद को मरवाने के लिए उसने मदद ली इजाज लाकड़ावाला की। इजाज लाकड़ावाला फिलहाल अपनी अलग गैंग चला रहा है, लेकिन उस वक्त वो छोटा राजन के साथ काम करता था। मुंबई में छोटे मोटे अपराध करने वाला इजाज लाकड़ावाला 1995 में एक मामले के तहत गिरफ्तार हुआ और उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल की चार दीवारियों के भीतर उसकी मुलाकात छोटा राजन गिरोह के सदस्यों से हुई। बातचीत में एक दिन इजाज लाकड़ावाला ने राजन के लोगों से कहा कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि अंडरवर्ल्ड में उसका नाम हो जाए और हर कोई उससे डरने लगे। उससे कहा गया कि जेल से बाहर आने के बाद उसे यह मौका जरूर दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद इजाज लाकड़ावाला को जमानत मिल गई और वो फिर से अपराध की काली दुनिया में दस्तक देने लगा। एक दिन उसे फोन आया छोटा राजन के खास साथी रोहित वर्मा का। वर्मा के कहने पर लाकड़ावाला ने तकीउद्दीन वाहिद को मारने की सुपारी ले ली और अपना काम शुरू कर दिया। अरुण महाजन और दूसरे साथियों के साथ वो तकीउद्दीन वाहिद की हर हरकत पर नजर रखने लगा। वाहिद कब घर से निकलता है, कब दफ्तर से लौटता है, किस रास्ते का इस्तेमाल करता है, इन सब पर काफी बारीकी से गौर किया गया और आखिर 13 नवंबर 1995 को उसने वाहिद को ठिकाने लगा दिया। Actually, it was that Rohit Verma who shot him, and then he fled to Bangkok. And September 2000, that Rohit Verma was shot by Chota Shakil and his men when they attacked Chota Rajan in the Bangkok flood. So Rohit Verma, I had masterminded the shootout of this Taqiuddin. इस हत्याकांड को दाऊद गैंग खून के घूंट पी गया था।
हत्या के बाद दाऊद खामोश रहा। 3 महीनों तक डी कंपनी की ओर से एक भी शूटआउट को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन दाऊद की यह खामोशी तूफान के पहले की खामोशी थी और फरवरी 1996 के पहले हफ्ते से दाऊद ने राजन के खिलाफ अपना पलटवार शुरू कर दिया। और फिर 10 फरवरी को मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में राजन गैंग का फिलिप्स डिसोजा दाऊद के शूटरों की गोलियों का शिकार हो गया। 11 फरवरी को डीएन नगर इलाके में अमृत कुमार और सटक सिहालू को गोलियों से भून दिया गया। 1 मार्च को दाऊद के शूटरों ने डोंगरी इलाके में मासूम हुसैन नंजियानी को छलनी कर दिया। 5 अप्रैल को प्रकाश सिंघासने ने डीएन नगर में दाऊद के शूटरों का निशाना बना। At the time, daily 2-3 shootouts used to take place. And in all in 98, if you see, in 93 shootouts, 101 people were shot dead in the streets. The press started showing bleeding businessmen lying on the floor, marble floor, or on the middle of the road and things like that. It was terror wave was going around. शहर में हो रहे इस गैंग वॉर ने मुंबई पुलिस के लिए भी एक कड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। खास करके उन मामलों में मुंबई पुलिस की काफी खिंचाई हुई जिसमें गैंगस्टर्स की गोलियों के शिकार बेगुनाह नागरिक हुए। सरकार, मीडिया और राजनीतिक पार्टियों की ओर से पड़ रहे दबाव के चलते आखिर मुंबई पुलिस ने गोली का जवाब गोली से देने का फैसला किया और शुरू हो गया एनकाउंटर का सिलसिला। मुंबई पुलिस सभी गिरोहों के प्रमुख शूटरों को पकड़कर उन्हें खत्म करने में जुट गई। कई गैंगस्टर पुलिस की गोलियों से मारे गए। इस कड़ी में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रफुल्ल भोसले की गोलियों से अरुण महाजन भी मारा गया। अरुण महाजन भी तकीउद्दीन वाहिद की हत्या में शामिल था। लेकिन इजाज लकड़ावाला भारत से निकल भागने में कामयाब रहा। तकीउद्दीन वाहिद की हत्या मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक अहम घटना मानी जाती है। वाहिद की हत्या के बाद ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का भट्टा बैठ गया और 1997 में यह कंपनी बंद हो गई।